नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूँ, सभी का अभिवादन करती हूँ। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी खबर है मेरे पास। आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि आपके परिवार में कितने लोग हैं? अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो आपका एक बच्चा हो सकता है या आपके दो बच्चे हो सकते हैं। और अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो आपके 12 या 15 मेंबर्स आपकी फैमिली में हो सकते हैं। लेकिन आज मैं एक ऐसे परिवार की बात करने वाली हूँ आपसे जिसमें 167 लोग हैं इस फैमिली में। और ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और उतनी ही हैरान करने वाली भी है, क्योंकि इतने बड़े परिवार का मैनेजमेंट भी कोई मुश्किल आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। और ये जानना और भी इंटरेस्टिंग होगा। तो चलिए बढ़ते हैं इस परिवार की ओर कि इस परिवार में खास क्या है। दुनिया के सबसे बड़े परिवार में जिसकी मैं बात करने जा रही हूँ, इसमें 167 लोग रहते हैं। इसके मुखिया मिजोरम के जियोना चाना का परिवार अचानक से सुर्खियों में क्यों आता है? इसलिए क्योंकि जियोना चाना का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था और डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया, लेकिन उनका परिवार उनको मृत मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि उनकी सांसें चल रही हैं और अभी तक चाना का संस्कार, अंतिम संस्कार नहीं किया गया है। अब चाना के बारे में अगर मैं बात करूं तो चाना पावल संप्रदाय के नेता हैं। उनके पिता ने इस संप्रदाय का गठन किया था और इस संप्रदाय में 443 परिवार हैं और लगभग 2,500 से ज़्यादा लोग इसमें हैं शामिल। और इस संप्रदाय के लोगों का कहना है कि जब तक मौत कंफर्म नहीं हो जाती, अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि मिजोरम की राजधानी एजवाल के ट्रिनिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने 2 दिन पहले यानी कि 13 जून को चाना के निधन को कंफर्म कर दिया था, उनकी डेथ को कंफर्म कर दिया था। वे 76 साल के हैं या थे कह लीजिए, पेशे से बढ़ई और चाना की 38 वाइफ्स हैं, आई मीन उनकी पत्नियां हैं, और 89 उनके बच्चे हैं। और मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरम थांगा ने भी चाना के लिए सोशल मीडिया पे एक पोस्ट लिखी थी। उन्होंने कहा था कि मिजोरम और उनका गांव इस परिवार के कारण ही टूरिस्ट अट्रैक्शन की वजह बना हुआ है। इतना बड़ा परिवार और उनका काम करने का मैनेजमेंट क्या है, इस पे भी जरा बात कर लेते हैं। इस परिवार के बारे में कहा जाता है कि चाना की बड़ी पत्नी घर के सभी सदस्यों को उनके काम बताती हैं और सभी के काम पे वो नजर भी रखती हैं। और 167 लोगों का ये परिवार पहाड़ियों के बीच में बड़े 4 मंजिला मकान में रहता है। काफी बड़ा मकान है और इस घर का नाम है छोंथर रन, यानी कि न्यू जनरेशन होम। इसका मतलब ये हुआ, इस मकान में 100 से ज्यादा कमरे हैं। और ये भी हम देखते हैं कि इस परिवार का लाइफस्टाइल कैसा है। चाना का जन्म 21 जुलाई 1945 को हुआ था। वे चाना पावल के संप्रदाय के मुखिया थे और उनके पिता ने इसे स्थापित किया था। इस संप्रदाय में कई शादियों की परंपरा है, इसीलिए इनकी भी इतनी सारी बीवियां हैं। चाना की इतनी बीवियों की यही वजह है। इस परिवार का नाम गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है और इनका परिवार जो है बढ़ई का काम करता है। जो खाना बनाने का काम है वो अपने आप में बहुत बड़ा काम है। इस परिवार को एक दिन में लगभग 45 kg चावल, 25 kg दाल, 20 kg फल, 30 kg से 40 kg मुर्गे और 50 अंडों की जरूरत हर दिन पड़ती है। चाना के परिवार के लिए एक बड़े डाइनिंग हॉल में 50 टेबल्स पे खाना परोसा जाता है। चाना की पत्नियां खाना बनाती हैं और बेटियां दूसरे काम देखती हैं और साफ सफाई की जिम्मेदारी उनकी बहू पे है। तो चाना का नाम आज इसीलिए आ रहा है क्योंकि डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया है, लेकिन उनका परिवार अभी उन्हें मृत मानने को तैयार नहीं है। परिवार का ये कहना है कि उनकी सांसें चल रही हैं, उनकी बॉडी गर्म है, इसीलिए आज हम चाना की बात कर रहे हैं।
उनके परिवार की बात कर रहे हैं, उनके जो परिवार के सदस्य हैं, टोटल सदस्य हैं 167 हैं, इसलिए हम आज उनकी बात कर रहे हैं। और इस परिवार का नाम गिनीज बुक में भी दर्ज है। दोस्तों, आपको मेरा कंटेंट कैसा लगा? मुझे आपके कमेंट की, आपकी टिप्पणी का इंतज़ार रहेगा। आप ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आपको ये कंटेंट कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं, शेयर कीजिए। अब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।